अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सादत अली, एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ अली टीवी में आपको खुशामदीद करता हूं। आज मैं जिस जगह पे आपको लेके जाऊंगा वो जगह वाकई देखने लायक है। इस जगह का नाम है क्लॉक टावर। दोस्तों ये जगह उमानी बॉर्डर के बिल्कुल पास है, बिल्कुल नज़दीक है, और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये बहेरा कार्निश है। वो भी आपको लेके चलते हैं क्लॉक टावर की तरफ, तो चलो आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, ये देखने में सिर्फ एक रोंडा बोर्ड आपको लगेगा, लेकिन इसके नीचे पूरी दुनिया आबाद है। यानी कि इसके नीचे बिल्डिंग है, बेसमेंट है, और उसके नीचे बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है। विजिट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों अभी मैं बेसमेंट के अंदर आया हूँ, अभी आपको मैं आगे दिखाता हूँ आगे इसके क्या है, कहाँ से रास्ता जाता है, जो रोंडा बोर्ड के अंदर जाता है वो रास्ता आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये शेख सुल्तान की है, शारजा का शेख है शेख सुल्तान, ये उनकी पिक्चर है। दोस्तों अभी मैं बेसमेंट से गुजर के क्लॉक टावर के ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, आपको चल के दिखाता हूँ ऊपर भी। तो दोस्तों अभी मैं क्लॉक टावर के अंदर खड़ा हूँ, अभी मैं आपको दूसरी साइड पे लेकर चलता हूँ।
दोस्तों भी आपने क्लॉक टावर देखा, कमेंट्स करके मुझे लाजम बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फैमिली के लिए, घूमने के लिए, सैर तफरी के लिए बहुत अच्छी जगह है, अपनी फैमिली के साथ आए। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये जगह कलबा में है, कलबा शारजा में है, सामने बहिरा कार्नर है, साथ ही ओमान का बॉर्डर लगता है और कलबा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको फास्ट फूड भी मिल जाएगा खाने के लिए। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो बना सकूँ। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।